एक चेंज ऑफ सीजन का महीना है मार्च. बुखार, खांसी, जुकाम कॉमन है इस सीजन के अंदर, लेकिन हमें ये जानना ज़रूरी है कि हर बुखार इस समय कोरोना नहीं है, हर खांसी इस समय कोरोना नहीं है. जुकाम सीजनल एलर्जी के कारण होती है, सूखी खांसी पोल्यूशन के कारण भी हो सकती है, और बुखार एक नॉर्मल वायरल फीवर भी हो सकता है. अगर बुखार और खांसी है तो हाँ, ये कोरोना के लक्षण हैं अगर ये इकट्ठे आए हैं. इसमें ये जानना ज़रूरी है कि आप किसी हाई रिस्क एक्सपोजर के साथ संपर्क में आए हैं. हाई रिस्क एक्सपोजर क्या है? क्या किसी पेशेंट है जिसको पॉजिटिव टेस्ट आया है, क्या हम उसके टच में आए हैं, या किसी ऐसे व्यक्ति के टच में आए हैं जो हाई रिस्क जोन से होकर आया है, जैसे हम जानते हैं इटली, ईरान, चाइना, यूएसए, स्पेन, फ्रांस. अगर किसी ऐसे व्यक्ति के टच में आए हैं जो इन देशों से आया है, तो हाँ, हमारे को टेस्टिंग की आवश्यकता है. इस बुखार और खांसी के साथ अगर सांस फूल रहा है तो वो एक गंभीर लक्षण है, और उसमें डायरेक्टली हॉस्पिटल से संपर्क में आना चाहिए.